नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइज पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं देसी और जर्सी गाय में क्या अंतर है। अगर आप भी पशुपालन से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए देसी और जर्सी गाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप ज़रूरत के मुताबिक सही पशु का चयन करके पशुपालन कर सकें। जाने देसी और जर्सी गाय में क्या अंतर है। किसानों और पशुपालक अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। देखा जाए तो आज के समय में पशुपालन सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पशुपालकों को गायों की सही जानकारी नहीं होने के चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम किसानों व पशुपालकों के लिए देसी और जर्सी गाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सही गाय का पालन कर सके। वैसे तो हमारे देश में गाय की कई नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन देसी और जर्सी गाय का पालन ज़्यादातर पशुपालकों के द्वारा किया जाता है। आइए देसी और जर्सी गाय में अंतर से क्या होता है इसके बारे में। भारत में देसी गाय को माता का दर्जा मिला है, तो वहीं जर्सी गाय को ब्रिटेन में प्रमुख स्थान मिला है। बॉस इंडिकस श्रेणी में देसी गाय आती है और जर्सी गाय बॉस टॉरस की श्रेणी में आती है। देसी गाय का विकास प्रकृति पर निर्भर है। देसी गाय का विकास जलवायु परिस्थितियों, चारे की उपलब्धता, काम करने के तरीके इत्यादि के आधार पर होता है, जबकि जर्सी गाय का विकास ठंडे तापमान के अनुसार होता है। देसी गाय के सींग लंबे और बड़े कुबड़ वाले होते हैं, जबकि ऐसा जर्सी गाय में नहीं होता है। देसी गायों का कद जर्सी गायों की तुलना में छोटा होता है। देसी गाय करीब 3 से 4 लीटर दूध देती है, तो वहीं जर्सी गाय करीब 12 से 14 लीटर दूध देती है। आमतौर पर देसी गायों को बच्चा पैदा करने में 30 से 36 महीने लगते हैं, लेकिन जर्सी गायों को 18 से 24 महीने ही लगता है। देसी गायें अपने जीवन काल में 10 से 12 बछड़ों को जन्म दे सकती हैं, वहीं जर्सी गाय ज़्यादा बछड़ों को जन्म नहीं दे पाती, इसीलिए देसी गाय के दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पशुपालक साथियों, आपको कौन सी गाय पसंद है और आप इन दोनों में से कौन सी गाय चुनना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।